नमस्कार मित्रों, रतन एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंडली के मांगलिक होने की या मंगली दोष क्या होता है। बहुत से लोग कहते हैं, परंतु मंगली होना अपने आप में कोई दोष मैं नहीं मानता, क्योंकि मंगल दोष जब वो नॉन मंगली से कोई कुंडली जब ज्योतिषाचार मिलाते हैं तो अक्सर ये वो कहते हैं कि भाई लड़की मंगली है या लड़का मंगली है। तो मंगली लड़के या लड़की की शादी मंगली से ही होनी चाहिए, इस वजह से उसको हम मंगल दोष कह देते हैं शायद। लेकिन मंगल दोष देखिए, मंगल के संग जब राहु अथवा केतु बैठें तब बनता है कुंडली में अंगारक दोष, तो तब मंगल दोष बनाता है। मंगली होना अपने आप में कोई दोष नहीं है और कोई घबराने की बात नहीं है। तो मंगली कब बनती है कुंडली, इसको जानते हैं। आइए सबसे पहले दोस्तों, जब आपकी लग्न कुंडली में मंगल ग्रह पहले, चौथे, सातवें, आठवें और बारहवें भाव में बैठे होंगे तब बनती कुंडली मांगलिक। दक्षिण भारत के ज्योतिषाचार्य जो दक्षिण भारत के लोग हैं, वह दूसरे भाव को में भी अगर बैठा हो मंगल तो मंगलिक मानते हैं। तो मंगली होने में कोई अपने आप में कोई परेशान होने की बात नहीं है दोस्तों। अगर आप मंगलिक हैं तो आपका जब विवाह की बात आएगी तो आपके लिए मांगलिक लड़की, अथवा अगर आप लड़की हैं तो मांगलिक लड़का ढूंढा जाएगा और विवाह होगा। हाँ, अगर आजकल अब प्रेम विवाह बहुत बढ़ गया है तो जो लोग मांगलिक हैं और नॉन मंगली से अगर होता है कि वो शादी करने की सोच रहे हैं या होती है, तो ज्योतिषाचार ऐसे में अगर लड़की मांगलिक है तो उसका विवाह पहले पीपल से करवा देते हैं ताकि उसका दोष कम हो जाए, उसका प्रभाव कम हो जाए। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप मंगलिक हैं तो मंगलिक लड़की से ही शादी करें, या अथवा मंगलिक लड़की हैं तो अपने लिए जीवन साथी मांगलिक ही ढूंढें। विवाह के लिए मांगलिक लड़के और मांगलिक लड़की का ही होना आवश्यक है या शनिचरी हो, क्योंकि अगर यदि आप मांगलिक हैं और आपका जीवन साथी जिससे आप विवाह करने जा रहे हैं वो मांगलिक नहीं, तो उसके ऊपर आ सकती हैं बहुत सारी विपदाएं, मुसीबतें। स्वास्थ्य की मुसीबतें हो सकती हैं, उसका करियर खत्म हो सकता है, उसकी दुर्घटनाएं उसकी अक्सर होती रहेंगी, छोटे मोटे ऑपरेशन होते चले जा रहे हैं, पता चला 10-12 ऑपरेशन हो गए छोटे मोटे, तो इस प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आती हैं, नौकरी में परेशानियां आएंगी, तो परेशानियां ही परेशानियां रहेंगी। इसलिए पहली चीज आप बहुत अच्छे से समझ लें, यदि आप मांगलिक हैं तो लड़की या अथवा लड़का जिससे आपका विवाह हो रहा है पार्टनरशिप में, वो मांगलिक हों। दूसरी बात, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, भगवान हनुमान जी की शरण में जाएं, महीने में एक बार अथवा 3 महीने में एक बार बजरंग बली के मंदिर जाकर बजरंग बली को, हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाएं, इससे आपकी परेशानियां दूर होंगी। मांगलिक लोग अधिकांश दिखा गया है, जो हमारे सेना में लोग जाते हैं, BSF में जाते हैं, ITBP है, PAC है, तो वो लोग मांगलिक होते हैं, क्योंकि मंगल है सेनापति वॉरियर हमारे ग्रहों में। इसलिए जो लोग भी, अधिकांश लोग ऐसा नहीं, और भी सरकारी नौकरियों में मांगलिक लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो लोग फौज में हैं, आर्मी में, BSF, ये सब जितनी भी PAC जो फोर्सेस हैं, अच्छे पदों पे हैं, CRPF हो चाहे, तो उनके मंगल उनका कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा, प्रभावी होगा, उच्च स्थान पर बैठा होगा सरकारी नौकरी के योग में, और वो लोग इसी तरह के जो फोर्सेस हैं उसमें रहते हैं। तो 95% ऐसा लोगों को देखा गया है कुंडली में कि वह मंगली होंगे। तो मंगली होने पर घबराएं नहीं मित्रों, कोई ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। यदि आप मांगलिक हैं, 70-60% लोग ऐसे होंगे जो मांगलिक होंगे, क्योंकि मंगल 1, 4, 7, 8 और 12 ये 5 भाव ऐसे हैं जिसमें मंगल कहीं ना कहीं बैठा ही होगा, और जिनके बैठा होगा तो वो मांगलिक हुए। तो मांगलिक होने पर आप मित्रों घबराए नहीं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ, वो आप कर लें। नित्य अपनी दिनचर्या में प्रातःकाल सुबह उठकर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। एक छोटी सी हनुमान चालीसा या हनुमान जी की कोई फोटो आप अपने पर्स में उसको रख सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा होगा। महीने, 2 महीने, 3 महीने में कभी यदि आपको कहीं पर वानर दिखते हैं, बंदर दिखते हैं, तो उनको चने खिलाएं, इससे आपको फ़ायदा होगा। मंगल के दिन आप किसी मंदिर में जाकर के बच्चों को मिठाई खिलाएं, मीठा कुछ, इससे भी आपको लाभ होगा। तो ये मित्रों मैंने एक सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया कि कुंडली कब मांगलिक होती है। आशा है आपको समझ में आया होगा, और यदि नहीं आया तो आप वीडियो देखकर ये पॉइंट्स नोट करके अपनी कुंडली में स्वयं भी देख सकते हैं कि आप मांगलिक हैं या नहीं हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप फॉलो करें और करें तो आपको अवश्य लाभ होगा। भगवान हनुमान जी, बजरंग बली आपका कल्याण करेंगे। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें।
और प्लीज़ अभी तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कल्याण हो, नमस्कार।